करनाल का गांव सिरसी 71वें गणतंत्र दिवस के दिन देश का पहला लाल डोरा मुक्त गांव बन गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ग्रामीणों को उनकी प्रॉपर्टी की टाइटल डीड वितरित की। ग्रामीणों को उनका मालिकाना हक मिलने पर सभी ने सरकार का धन्यवाद किया। आपको बता दें कि गांव की मैपिंग के बाद इसकी नोटिफिकेशन कर दी गई थी, जिसमें 357 लोगों की टाइटल डीड के लिए आईडी तैयार की गई थी। गौरतलब है कि लाल डोरा से मुक्त होने के बाद सिरसी गांव के लोगों को उनकी प्रॉपर्टी व प्लाटों का मालिकाना हक मिल गया है, जिस पर वे काबिज हैं। इस सुविधा से प्रॉपर्टी मालिक अपनी प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त कर सकेंगे, जिसमें किसी तरह की रुकावट नहीं होगी। जमीन पर बैंकों के माध्यम से कर्ज भी ले सकेंगे। राजस्व रिकॉर्ड में इंतकाल चलेगा। देखिए एक रिपोर्ट। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को हम याद करते हैं कि देश को आजाद कराने के बाद हम लोगों ने एक ऐसा तंत्र, अपना तंत्र ये अपनाया था जिसको गणतंत्र कहा हमने। लोकतंत्र में कहते हैं कि गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, अर्थात लोगों की सरकार होती है, लोगों द्वारा बनाई जाती है, लोगों के लिए होती है। और सारा सिस्टम हम अपने आप तैयार करते हैं, अपनी सरकारें चुनते हैं, नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं। अंग्रेज भले ही इस देश को छोड़ के चला गया, हमने आजादी प्राप्त की, लेकिन कुछ चीजें ऐसी छोड़ करके चले गए जिसको हम आज तक भी सुधार रहे हैं। बहुत चीजें सुधारी हैं, लेकिन एक ये जो विषय लाल डोरा का विषय, ये अंग्रेजों की एक चलाई हुई प्रथा गांव के अंदर हुआ करती थी कि इस गांव के चारों तरफ लाल डोरा बना दिया। लाल डोरा का मतलब है जैसे ऐसी उसके अंदर एंट्री बैन कर रखी थी कि सरकार इसके अंदर एंटर नहीं करेगी, और अपने आप ही पंचायतें इसका हिसाब किताब रखेंगे, किसका प्लॉट है, किसका मकान है, किसका घर है, एक के दो हो गए या दो का एक हो गया। हो सकता उस समय की जरूरत हो कि सरकार इसमें हस्तक्षेप क्यों करे, पंचायतें अपने आप निपट लेंगे। लेकिन धीरे धीरे लगा कि इसमें से विवाद ज्यादा बढ़ रहे हैं, झगड़े ज्यादा बढ़ रहे हैं, और जो प्रॉपर्टी, जो संपत्ति महंगी हो गई है, खास करके शहरों के अंदर जो गांव आए, वहां बहुत सी कठिनाइयां पैदा होने लगी। उसका मालिक आदमी है कि नहीं है, इसका प्रमाण ही नहीं है, रजिस्ट्री कराने जाते तो रजिस्ट्री करने वाले ने मना कर दिया है। तब ध्यान में आया कि इस लाल डोरा से मुक्ति पाई जानी चाहिए, बहुत लोगों की इच्छा भी थी, लाल डोरा समाप्त कर दिया है। आज 3 योजनाओं का शुरू करने का काम हुआ है, श्री गणेश हुआ है, जिसमें एक तो लाल डोरा समाप्त करना जो आपके सामने विषय बताया, दूसरा है परिवार पहचान पत्र। अभी तक व्यक्तियों की पहचान तो है, व्यक्ति का नाम भी है, व्यक्ति का आधार कार्ड भी है, परिवार के नाते जैसा बताया हमारे दुष्यंत जी ने कि केवल राशन कार्ड तो होता था, लेकिन वो भी मर्जी है, कोई बनवाए चाहे ना बनवाए। और एक बार राशन कार्ड बन गया तो 5-7-10 साल तक उसमें कोई बदल ही नहीं हो पाता था, कोई नया नाम जुड़वाना तो जुड़ नहीं पाता था। दुर्भाग्य से अगर कोई परिवार छोड़ गया तो व्यक्ति भगवान को प्यारा हो गया, उसका नाम उसको कटवाने में तो खैर हमारी भी रुचि नहीं होती थी, सामने वाला कटता नहीं था, कोई शिकायत करता तब कटता था। और अगर पूरे गांव की आबादी, शहर की आबादी, जिले की आबादी, प्रदेश की आबादी तो हिसाब लगाते रहते थे कि हाँ सन 2011 में इतनी आबादी थी, 1% हर साल बढ़ते चले जाओ, 8 साल के बाद 8% और बढ़ गई, ठीक से पता कब लगेगा, अगले 10 साल के बाद फिर जब आबादी गिनी जाएगी तब पता लगेगा, उसके कई दुष्परिणाम भी होते थे। लेकिन आज वैज्ञानिक युग में, आज तो आईटी का जमाना है, इस आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के समय क्या हम ऐसा सिस्टम नहीं बना सकते कि बिल्कुल रियल टाइम, यानी हर समय की जो जानकारी है वो हमारे पास क्यों ना आए। टाइटल देने का काम शायद केवल मात्र 163 रुपए में हमारी सरकार ने करने का काम किया है। साथियों, आज लाल डोरा मुक्त होने का मतलब है आप सबकी
जमीन की शहर के बराबर रजिस्ट्री हो। हम बैंकों में जाते हैं, लोग कि लोन दे दो, बच्चे की पढ़ाई है, लोन दे दो, हमारे शादी है, मगर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बैंक वाला कहता है खेत की जमीन पे तो मैं दूंगा नहीं जिसका नक्शा है, रजिस्ट्री है। और गांव के घर की रजिस्ट्री होती नहीं क्योंकि लाल डोरों में, और उस कारणवश अधिकतम ग्रामीण अंचल के बच्चे शिक्षा से छूते रह जाते हैं, जो बड़े कॉलेजों में नहीं जा पा, अधिकतम मुश्किल समय पर लोन नहीं मिलता। आज जब आपकी रजिस्ट्री आपके हाथ में होगी तो मुझे लगता है आने वाले भविष्य में अगर आप अपनी जमीन भी बेचना चाहो तो उसका प्रॉपर डाटा राजस्व विभाग के पास भी हम मेंटेन कर पाए। साथियों, अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम आज गणतंत्र दिवस पर हम सब मिलकर उठाने जा रहे हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि ये कदम जो सिरसी से चला है, हमारी सर्वेयर जनरल की टीम के साथ पंचायत विभाग का दिन रात परिश्रम है कि अगले 2 से 3 महीनों के अंदर एक ग्राम पंचायत नहीं, 22 जिले हैं, हर जिले की 5 ग्राम पंचायत 110 ग्राम पंचायत को भी सिरसी की तरह हम डिजिटलाइज कर उनके लाल डोरा मुक्त बनाने का काम करेंगे। और केवल मात्र ग्रामीण अंचल तक नहीं, शहरों के अंदर भी जहां आज कोई कमी पेशी है डिजिटलाइजेशन की, हमारी सरकार का प्रयास है कि राजस्व विभाग तमाम रिकॉर्डों को डिजिटलाइज करने का काम करे। और एक चीज जो आज आपके बीच में संकल्प के तौर पर लेकर जा रहे, अभी जब करनाल में ध्वज फहराने का मौका मिला, जब हमने निर्णय लिया कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट हर महीने के पहले मंगलवार को एसडीएम ऑफिस या तहसील के अंदर ऊपर से नीचे तक, एसडीएम से लेकर और नीचे कानूगो तक तमाम अधिकारियों को बिठाने का काम करेगा, जिसके अंदर अगर गांव के किसान की कोई भी राजस्व संबंधित समस्या है, किसी भी व्यक्ति की कोई भी उसके लैंड रिकॉर्ड से संबंधित समस्या है, वो एक दिन हर महीने के पहले मंगलवार को जाकर तहसील या एसडीएम ऑफिस में उसको सुलझाने का काम करेगा। साथियों, ऐसे कदम हमारी सरकार उठा रही है। JBD Banquets lie hai, incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।